हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा फिजिक्स का फास्ट टू वीडियो बनाया हूं, और अगर आप मेरे पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो को भी देखें, क्योंकि वो भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में 15 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए आज मैं 16वां प्रश्न सॉल्व करता हूं। तो दोस्तों 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IR2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IR2। 17वां प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं दोस्तों जनित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनित। अगला प्रश्न है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान मतलब कितना होता है, बढ़ जाता है या कम जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लालेन की टोपी को एवोनाइड के छर के साथ रंग रगड़ने पर छर पर आवेश उत्पन्न कागज के कतरन को डैश करता है, यानी आकर्षित कर लेता है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे दोस्तों कभी आप कलम को अपनी बाल में रगड़ कर देखिए, तो छोटे टुकड़े को आप अगर उठाना चाहेंगे तो वह कलम अपनी ओर आकर्षित कर लेता, तो यही है, ये भी आकर्षित कर लेता। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 डायोप्टर। 1 लेंस फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश पार करने में कितना कार्य करना पड़ता। दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, W बराबर V गुने Q। दोस्तों ये फॉर्मूला, यानी W हो गया कार्ज, कार्ज मतलब कितना होगा, तो W बराबर V गुने Q। तो हमें V दिया हुआ है 12 और Q 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों श्रेणी क्रम में हम एक साथ सभी को जोड़ देते हैं, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा 30, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न है, 100 वाट और 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन है दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर VI। दोस्तों यहाँ पर पावर दिया हुआ है और हमें प्रतिरोध पूछ रहा है, तो P बराबर VI, पावर 100 दिया हुआ है और इधर वोल्ट दिया हुआ, तो बटे में वोल्ट आ जाएगा, वो हो जाएगा 220, तो इसका हो जाएगा 5/11, इसे काटने पर 5/11 होगा, ये एम्पियर निकला हमें। दोस्तों में पूछ रहा है प्रतिरोध, तो अगला प्रोसेस करेंगे, जैसे उसके बाद हमें एक ठोक फार्मूला और होता है, R बराबर V/I। दोस्तों ये भी आपने पढ़ा होगा, R बराबर V/I। तो देखिए दोस्तों, भी हो गया 220 दिया हुआ है और आई हमें ज्ञात हुआ था 5/11, तो 11 ऊपर चला आएगा, तो इसका जो कैलकुलेट होगा आपको 484 हो जाएगा। तो प्रतिरोध जो भी होता है ओम में होता है, तो इसका सेंस हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। 26वां प्रश्न है, हृदय प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल।
सत्ताईसवां प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का, विद्युत तंतु टंगस्टन का बना होता है। 29वां प्रश्न, इकाई धनावेश को विद्युत किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इकाई धनावेश को ना विद्युत क्षेत्र में अनंत, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए जूल, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। 30वां प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यू बटे वी, एम बराबर वी बटे यू होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बाय।